हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS ने वैकेंसी नोटिफिकेशन निकाला है आपके CRP, PO या MT पोस्ट के लिए। इसके लिए फ्रेंड्स आप कर पाएंगे अप्लाई ऑनलाइन। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको दिया गया है पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन मीन्स बैंक के नेम जो कि इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां बात करते हैं इसके शेड्यूल की। तो यहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या एडिट या मॉडिफिकेशन आपके 7/8/2019 से 28/8/2019 तक आप कर सकते हैं और एनी डेट में आप जो है एप्लीकेशन फीस जो है पे कर सकते हैं। इसके साथ जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग होती है रिजर्व कैंडिडेट के लिए वो सितंबर 2019 में उसके कॉल लेटर डाउनलोड होंगे और जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग है वो आपकी 23/9 से 28/9 के दौरान होगी। और इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो प्री एग्जाम कॉल लेटर है अक्टूबर 2019 में जारी कर दिया जाएगा। और फ्रेंड्स जो प्री एग्जाम है वो आपका 12, 13, 19 और 20 अक्टूबर को जो है कंडक्ट किया जाने वाला है और इसका जो रिजल्ट है वो अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक में आपका जारी हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका मेन एग्जाम है जिसमें आपका नवंबर 2019 को आपका ये होने वाला है। मेन एग्जामिनेशन का जो आपके ऑनलाइन एग्जाम है 30/11/2019 को कंडक्ट होगा और आपका जो रिजल्ट है वो दिसंबर 2019 में जारी हो जाएगा। इसके बाद आपका इंटरव्यू है तो आपका इंटरव्यू जनवरी या फरवरी 2020 में होगा और जो आपका अलॉटमेंट है वो आपको अप्रैल 2020 के बाद आपको होने वाला है। एलिजिबिलिटी का अगर यहाँ बात करें तो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पर उसके लिए आपको सबसे पहले नेशनलिटी आपको दी गई है वो आप यहाँ देख सकते हैं जो कि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया आपकी यहाँ पर जरूरी रहती है। एज क्राइटेरिया 1/8/2019 को आपका यहाँ जो है माना गया है और कम से कम 20 साल मैक्सिमम 30 साल तक आप इस जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो अपर एज में छूट मिलती है रिजर्व कैंडिडेट को वो आपको यहाँ मिलने वाली है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। तो 28/8/2019 तक आपकी ये जो एजुकेशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए और एजुकेशन कौन सी कोई भी डिग्री या ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास किसी भी स्ट्रीम में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, आप सिर्फ पास कैंडिडेट हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड जो स्ट्रक्चर है इसके जो ऑनलाइन एग्जाम का, तो सबसे पहले आपका प्री एग्जाम होता है। तो जैसा कि आप यहां देख रहे होंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 है, मैक्सिमम मार्क आपका 100 रहेगा। इंग्लिश क्वांट और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके यहां पूछे जाते हैं। 1 घंटे का आपका पेपर होता है। इसको क्लियर करने के बाद आपका मेन एग्जाम होता है जिसमें 5 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट आपका रीजनिंग, जनरल इकोनॉमी या बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और साथ में इंग्लिश लैंग्वेज जो कि रेटर राइटिंग एंड ऐसे का आपका यहाँ रहता है। तो ये जो है आपका 5th नंबर का, इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, 25 मार्क्स का होता है, 30 मिनट का आपको समय मिलता है। इंग्लिश में आप मीडियम में आपका ये होता है। बाकी सेक्शन जो है आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको अवेलेबल रहेंगे। टोटल 155 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मैक्सिमम मार्क आपका यहां पर रहने वाला है। टोटल अगर बात करें एग्जाम की तो 3 घंटे आपका जो है समय आपको यहां मिलता है जिसमें फ्रेंड्स आपको रीजनिंग के लिए पूरा 1 घंटा आपको मिलेगा, जनरल या बैंकिंग अवेयरनेस के लिए 35 मिनट, इंग्लिश के लिए 40 मिनट और डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए 45 मिनट आपको यहां मिलते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम मार्क भी आपको यहां दिया गया है किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आपके रहेंगे और क्या मार्किंग स्कीम आपकी रहने वाली है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर भी आपको यहाँ दिया गया है। तो आप कोई भी गलत आंसर पे क्लिक करते हैं, टिक करते हैं तो आपका 1/4 नंबर जो है आपके काट लिए जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के लिए। तो 100 रुपीज फीस रखी गई है SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए। यदि आप फ्रेंड्स जनरल या OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 600 रुपये यहाँ पर देने होंगे और ये फीस जो है आप ऑनलाइन माध्यम से जमा करा सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म में आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेंथ ऑफ इंप्रेशन और आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपके अपलोड होंगे। ये सभी जानकारी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और जैसे ही इसका फॉर्म स्टार्ट होगा हम उसकी डिटेल आपको अपलोड कर देंगे। अगर फ्रेंड्स यहाँ बात करें इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में, तो आप इस नोटिफिकेशन के जब लास्ट में आप आएंगे जिसका मतलब है पेज नंबर 16 पर, यहाँ पर आपको इंडिकेट किया गया है जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, उसमें आपकी SC ST OBC EWS एंड जनरल में आपकी बैंक वाइज कितनी पोस्ट आपकी यहाँ रखी गई है उसकी डिटेल आपको यहाँ दी गई है। अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के लिए तो SC कैटेगरी के लिए 670, ST के लिए 299, OBC के लिए 904, EWS के लिए 400
432 और जनरल के लिए 2031 पोस्ट आपकी हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर बात करें तो 4336 पोस्ट आपकी यहां पर रहती हैं। साथ में आपको इसी पेज के बाद में आपको एग्जाम सेंटर डिटेल मिल जाएगी, तो आपका जो प्री एग्जाम है या फिर मेन एग्जाम है वो आपके कहाँ कंडक्ट होंगे, कहाँ पर लिए जाएंगे, उनकी डिटेल भी आपको यहाँ दी गई है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बार बताया IBPS PO के बारे में, जो कि रिक्रूटमेंट आज ही निकली हुई है। यदि आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, इसकी डिटेल को चेक करना चाहते हैं, तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर इसकी डिटेल को चेक कर सकते हैं।